57 को ठीक करना पड़ेगा, 46 करना पड़ेगा, तो इसको टॉगल करना पड़ेगा, ये जो 20 वाला स्विच है उसको एक बार दबाना पड़ेगा। हाँ, तो दबाने से अभी यहाँ पे आ गया 57 के घर में, तो अभी ये जो डी बटन है, डी को दबाने से ये देखिए चेंज हो रहा है। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे पास आया ये बॉक्स फ्लिपकार्ट से, मैं एक बार ऊपर वाला जो रैप है इसको खोल के दिखाता हूँ, कागज का ये तो हाथ से खुल जाएगा आसानी से, देख के पता चल गया होगा स्केमी का पाच है इसके अंदर, ब्लैक कलर का बॉक्स है और इसमें कलरिंग में SKMEY स्केमी सोल्ड बाई लग्जरी, अमाउंट है 314 रुपया। बॉक्स को खोल के देखते हैं, लिखा हुआ है थैंक यू अगेन, प्लीज गिव अस 5 out of 5 स्टार। देखते हैं कैसा प्रोडक्ट है, फिर बाद में जाके साइट में दे दूंगा। तो एक प्लास्टिक रैप के अंदर है, तो इसको बराबर रैप को निकलते हैं। बस तो देखने में काफी अच्छा है और डायल साइज तो बहुत बड़ा है, तो यही मेन रीजन है वॉच को परचेस किया, इसका डायल मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बड़ा है इस वजह से। स्ट्रैप भी बहुत अच्छा है, थोड़ा हार्ड है लेकिन ठीक ठाक है। डायल में ऊपर वाला जो रिंग है ये, हाँ ये घूमता है, सिर्फ एक ही साइड में घूमेगा, इस साइड में नहीं घूमेगा, तो जस्ट नॉर्मल स्टाइल के लिए है। तो सैटरडे 5, 6, 8, 9, तो ना यहाँ पे जो टाइमिंग है वो गलत है, गलत दिखा रहा है, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। उससे पहले एक बार मेरा रिस्ट में इसको लगा के देखता हूँ कैसा लगता है मेरे रिस्ट में। तो ये कुछ इस तरह से है वॉच, एक बार मैं आगे से दिखा देता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा रिस्ट में। डायल साइज तो काफी बड़ा है, एक बार लाइट को ऑन करके देखता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बटन है, 4 बटन है साइड में, तो मैं एक बार देख लेता हूँ फिर बाद में दिखाता हूँ कैसे क्या एडजस्ट करना है। तो उसके पहले एक बार देख लेता हूँ कि बॉक्स के अंदर क्या क्या है वॉच को छोड़ के, और भी तो कुछ गाइडलाइंस है इसमें, यूजर मैनुअल ऑफ स्केमी मॉडल 1251। सर्टिफिकेट ऑफ वारंटी, वारंटी कार्ड है, इसमें कितना साल का वारंटी है देख लेता हूँ, 1 ईयर्स। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सारा जो सेटिंग्स है वो मैं देख लिया, तो एक बार आप लोगों को बता देता हूँ कैसे क्या करना है। तो 4 बटन है इसको, ABCD, तो ऐसे करके ही चारों बटन को नाम दिया गया है यहाँ पे यूजर मैनुअल में। तो उसी हिसाब से मैं एक बार सेटिंग्स दिखा देता हूँ आपको, रियल टाइम मोड है ये, इसको सेटिंग करना है मुझे, अभी गलत दिखा रहा है यहाँ पे। ऊपर वाला जो बटन है इससे लाइट फ्लैश करता है, और यहाँ पे जो सेकेंड बटन जो है बी, तो इसको इससे क्या होता है मेनू चेंज होता है, देखिए अलार्म, तो अभी ST स्टॉप वॉच होगा ये, डेट, तो फिर ये TR वाला कुछ होगा, ये तो मेनू बटन हो गया। अब ये जो सी बटन है, सी बटन से ही सारा खेल होता है, सी बटन को एक बार प्रेस और होल्ड करके रखना पड़ेगा, हाँ, तो जब भी एक बीप करके साउंड आएगा और इसमें ब्लिंक करना चालू कर देगा, देखिए यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, टगल करने के लिए ये जो बटन है बी बटन, इसको दबाने से एक बार तो ये टगल करेगा, यहाँ पे घंटे का जो डिजिट है उसमें आ गया, वो फ्लैश कर रहे। 8 के पहले वाला डिजिट में जाना चाहोगे तो वो नहीं होगा, 7 नहीं जाएगा, 8, 9 करके ऐसे करके 0 होने के बाद फिर जाके ऐसे राउंड में घूमेगा, तो ये बटन से ही होगा वो। और ये जो बी बटन है, बी से टगल होगा, और डी से ये लास्ट वाला जो बटन, इससे चेंज होता है। तो ठीक है, एक बार 8 तो अभी टाइम है, एक बार मैं देख लेता हूँ, 9:46, तो 9:46 है, तो इसको 9 करना पड़ेगा, एक बार प्रेस करने से 9 हो जाएगा, 9 हो गया, ठीक है ना। 57 को ठीक करना पड़ेगा, 46 करना पड़ेगा, तो इसके वजह से टॉगल करना पड़ेगा, ये जो 20 वाला स्विच है उसको एक बार दबाना पड़ेगा। हाँ, तो दबाने से अभी यहाँ पे आ गया 57 के घर में, तो अभी ये जो डी बटन है, डी को दबाने से ये देखिए चेंज हो रहा है, तो इसको 46 करना है, 46 हो गया ना, ठीक है ना। तो अभी टॉगल करने का और एक ब्रेस पड़ना है, अभी तो साल दिखा रहा है 2010, तो ये इसको 2022 करना पड़ेगा, 22 हो गया ना। तो इसके बाद टॉगल बटन फिर से दबाओ, और ये अभी ये 9, ये पहले वाला जो डिजिट दिखाया ये सितंबर महीना है इसलिए 9, और फिर उसके बाद ये आज का डेट है, ये डेट तो ये मैं सेट कर दिया था सितंबर 14, ठीक है ना। तो अभी फिर से टॉगल करो, तो ये सेकेंड में, सेकेंड तो चलता रहेगा, उसके बाद दोबारा से एक बार 3 नंबर जो बटन है इसको दबाओ, सी वाला, तो होगा वेडनेसडे, ये ऑटोमेटिक आ जाता है, वेडनेसडे लिखा हुआ, आज वेडनेसडे सितंबर महीना 9, 14 तारीख लास्ट में जो है, और ये टाइम है 9:47। और नीचे वाला जो बटन है इसको एक बार दबाने से यहाँ पे देखिए 24 आवर्स रियल टाइम जैसे दिखाता है वैसा होगा, 24 आवर्स दिखाएगा, और एक बार दबाने से ये नॉर्मल मोड में जैसे 12 जो फॉर्मेट होता है उसमें आ जाएगा। यही था सेटिंग्स, वॉच तो ठीक ही है, अच्छा है, ब्लैक कलर में स्टाइलिश है,
मेरा जो सजेशन होगा ये आप लोग खरीद सकते हो, मेनली फोकस होगा कि स्टाइल के लिए, और जो विजिबिलिटी है ठीक ठाक है, उतना एकदम ब्राइट भी नहीं और एकदम जो डाल है वैसा भी नहीं है। डिस्क्रिप्शन में इसका बाय लिंक भी दे दूंगा, आप लोग चाहे तो वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो मुझे काफ़ी सस्ते में मिला, डील में आया था ये 314 रुपीज़ में। तो नॉर्मली इसका प्राइस रहता है 500 के आसपास, मतलब 400 समथिंग, ठीक है ना। तो इस हिसाब से मुझे बहुत अच्छा मिला, डिस्काउंट था। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।